हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपने चेहरे से दाग धब्बे दूर करके, कालापन दूर करके अपने चेहरे को गोरा बना सकते हैं व अपने चेहरे पर गोरा निखार हमेशा हमेशा के लिए बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस नुस्खे में कुछ घरेलू सामग्री यूज़ करेंगे जो कि हर किसी के घर में आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि हमारे चेहरे पर हर हफ्ते एक नई स्किन की लेयर आती है, जिसकी वजह से कि हमारी जो डेड स्किन है उसका जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इस नुस्खे में दो चीज़ें बनाएंगे। एक हम बनाएंगे स्किन वाइटनिंग फेस मास्क, जिससे कि आप गोरा निखार पाओगे, और दूसरा हम एक बनाएंगे आपके लिए स्किन वाइटनिंग टोनर, जो कि आपके चेहरे के निखार को इंस्टेंट बढ़ा देगा और आपके चेहरे से काले दाग धब्बे हटा करके उस पर गोरा निखार हमेशा हमेशा के लिए बना देगा। तो चलिए दोस्तों, नुस्खे को स्टार्ट करते हैं। तो इस नुस्खे में हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक साफ बॉल, यानी कि एक खाली कटोरी। उसके बाद हम इसके अंदर लेंगे दोस्तों एक चम्मच, हम इसके अंदर बेसन ले लेंगे इस प्रकार से। बेसन जो होता है दोस्तों, हमारे चेहरे के जितने भी ओपन पोर्स हैं उसमें से हमारे चेहरे से सारी गंदगी को बाहर निकालता है और हमारे चेहरे पर गोरापन बढ़ाता है। अब इसके बाद दोस्तों, इसके अंदर हमें ऐड करना है आधा चम्मच मॉइस्चराइजिंग क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले सकते हैं, इतनी सी मात्रा में आपको, यानी कि आधा चम्मच आपको स्किन मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है। अब आपको लेना है एक कॉफ़ी का पाउच, या आप किसी भी दुकान से ले सकते हैं, या आपको इजीली किसी भी दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। आपको पूरा एक पाउच कॉफ़ी का लेना है इस प्रकार से। अब लास्ट हम इसमें लेंगे एक चम्मच गुलाब जल। दोस्तों, इसके अंदर हमने कॉफ़ी इसलिए ऐड करी है क्योंकि कॉफ़ी के अंदर कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आपके चेहरे से डेड स्किन को हटाती है और आपके चेहरे पर एक नई स्किन लाने में मदद करती है। और दोस्तों, गुलाब जल जो होता है ये आपकी त्वचा को कोमल बना के रखता है व आपकी त्वचा में सुंदरता लाता है, आपको जवान बना के रखता है। इस प्रकार से आपको इसके अंदर एक चम्मच गुलाब जल डाल लेना है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लोगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अच्छे से मिक्स हो चुका है, और ये मिक्स होने के बाद कुछ इस प्रकार का पेस्ट बन करके तैयार होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको लगाना किस प्रकार से है अपने चेहरे पे। उससे पहले आपको लेनी है खाली कटोरी, उसके बाद आपको लेना है पाउडर, यानी कि टैल्कम पाउडर, और आपको इसके अंदर एक चम्मच टैल्कम पाउडर का ऐड कर लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको लेना है एक टोमेटो, उसके बाद आपको इसको बीच में से आधा कट कर लेना है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, आपको इसको बीच में से कट कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये जो आपने कटा हुआ टमाटर लिया है, इसको आपको इस तरीके से पाउडर के अंदर दबाना है। सारा पाउडर आपको इसके ऊपर लगा लेना है। उसके बाद आपको इसको अपने चेहरे पर अच्छे से इसको दबाते हुए हल्के हाथों से इस तरीके से गोलाकार में घुमाना है। इससे दोस्तों आपका क्या होगा कि आपके चेहरे पे जितनी भी गंदगी जमी हुई थी, जितनी भी आपके रोम छिद्रों में धूल प्रदूषण जमी हुई थी, पसीना जितना भी जमा हुआ था, वो सब आपके रोम छिद्रों से बाहर आने लगेगा और आपके जो रोम छिद्र हैं वो अंदर तक साफ हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके चेहरे से पिंपल भी चले जाएंगे व आपके चेहरे से काले दाग धब्बे भी चले जाएंगे, कालापन भी चला जाएगा। 5 मिनट के बाद आपको इसको इसी तरीके से छोड़ देना है। उसके बाद आपको उसको साफ पानी से अच्छे तरीके से धो लेना है। अच्छे तरीके से धोने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा कितना चमकदार और दमकदार हो चुका है। इस प्रकार से आपको इसको धो लेना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि हमने जो स्किन वाइटनिंग फेस मास्क बनाया था, वो आपको इस प्रकार से अपनी 3 उंगलियों में लेना है, और उसके बाद आपको उसको अपने चेहरे पर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। इस तरीके से आपको गोलाकार घुमाते हुए अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए अपने चेहरे पर इसी प्रकार से लगे रहने देना है। और ये प्रक्रिया जो है आपको रात को सोने से पहले करनी है, ताकि आप इसको लगाने के बाद घर से बाहर ना जाएं, यानी कि आपको धूप के संपर्क में नहीं आना है। रात को सोने से पहले आपको इसको इस प्रकार लगाना है, 15 से 20 मिनट आपको लगा करके रखना है। उसके बाद आपको इसको साफ पानी से धो लेना है। हफ्ते में आप इसको अगर 3 से 4 बार करते तो आपके चेहरे से जितने भी काले दाग धब्बे थे, जितने भी पिंपल्स थे, आपकी ये सब समस्या दूर हो जाएंगी और आपके चेहरे पर इंस्टेंट गोरा निखार आएगा, जिसकी वजह से आप पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगोगे। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आपके लिए आज का नुस्खा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको व्हाट्सएप फेसबुक पे अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप